एक दिन सभी बाल मालिक लिखे हुए मनसुदा के नैया से बोला, देखो धन श्याम, अब हम दूसरे के घर नहीं माखन चाहेंगे और भला हमारे घर किसी चीज की कमी नहीं है, हम क्यों दूसरे के घर माखन चुराए? माखन चोरी का काम अच्छा नहीं है, माखन चुराना ये अच्छी बात नहीं है। मैं सोना से ग्वाल बाल कहते मैया देखो तुम्हारा कन्हैया बड़ा बड़ कर है और सच बात ये श्याम सुंदर ने एक छड़ी उठाई और छड़ी उठाने के बाद कन्हैया ने मटकिया में मारी और जब भगवान ने मटकिया में छड़ी मारी और मटकिया में फोड़ दिए हैं सब ग्वालों को कन्हैया माखन खवाने लगे अपने घर में। अपने घर में जिस समय घर श्याम ने माखन खवाया अब मनसुखा माखन तो खाए ऊपर और बड़ी बड़ी भी बात दिखने लगी। मनसुखा बोलो भाई श्याम तेरी बात हमारे समझ में करो ना आज जितना आनंद कभी नहीं आया तो मनसुखा माखन खाता है पा के कभी बड़ी की बात बोला कि ये सुधा के लला मसूदा बोलो बच्चा कबूतर हाले ही जा रहा है
माखन खाने लगी माखन खाए पाके ककदारे तौल परिचती है सुबह यशोदा मैया आई गई और यशोदा मैया जब आई है मैया को आवत भव देखो सब ग्वाल बाल बाल से भाग गए और कन्हैया भाग गए को भाई लेकर भागना है मैया यशोदा ने श्याम के कपट के कलाई बदल ले और कन्हैया का हाथ मैया ने जिस समय पकड़ लिया श्याम सुंदर से मां पूछने लगी क्यों रे लाला अभी तक तो ग्वालियां शिकायत लेके आती थी मैंने किसी की कोई बात नहीं मानी मैं कभी मानती नहीं थी कि मेरे घर किसी चीज की कमी नहीं है लेकिन आज तो समझ में आ गया श्याम तूने मेरे घर में इतना लंबा नुकसान किया तूने मेरे सास के हाथ में मत किया वोट सो इसे अब सुंदर बहाना बनाने लगे मैया जी मटकिया हमने बोले घनश्याम की मैया अपनी दिल्ली का नाम सुना अरे मैया अपनी गजरी Oh, 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 oh
रस्सी में भगवान श्याम सुंदर को माया सौदा बांधने लगे हैं, लेकिन भगवान ने ऐसी करिश्मा दिखा दी, ऐसी लीला दिखा दी है, यशोदा रस्सी में बांध नहीं पा रही थी चंदी। ऐसे भगवान बन जाते हैं, नहीं समझ में आता है कि रस्सी छोटी पड़ जाती है या श्याम मोटी हो जाती है। यशोदा झगड़ा रही है और श्याम को सुना रही है, रस्सी घटती जाती है या श्याम मोटे होते जाते हैं, बात नहीं सकते। माया सुधा हैरान हो गई, एक जगह बैठे कन्हैया बोले माँ ये सभी रस्सी को दो, एक रस्सी को दिखा दो। माँ यशोदा ने सारी रस्सियां फेंक दी हैं और छोटी सी रस्सी में लेके भगवान को बांधा तो मोहन छोटी सी रस्सी में बन गए। छोटी रस्सी में तो कन्हैया बन गए, यशोदा ने रस्सी में तो घर से